दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज केमिस्ट्री के पहले दूसरे और तीसरे चैप्टर का मैं आपको टॉप 10 जो आपका वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसे कह लो एमसीक्यू कह लो या फिर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उनमें से 10 ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूं जो पिछले वर्षों बहुत आ चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये जो 10 प्रश्न मैं आज आपको बताऊंगा इनको एकदम ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो देख लिए, एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर भी लिखते चलूंगा और जो न्यूमेरिकल रहेंगे उनको भी मैं सॉल्व करते चलूंगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है शाटकी दोष पाया जाता है, ठीक है। तो शाटकी दोष क्या होता है? शाटकी दोष उन आयनिक पदार्थों में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन, ठीक है, ये लगभग समान आकार के होते हैं, ठीक है। शाटकी दोष में उन आयनिक पदार्थ में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। अब कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख लो NaCl, KCl, KBr और CHCl में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये वो एलिमेंट है जिनमें धनायन तथा ऋणायन समान आकार के होते हैं, ठीक है। तो शाटकी दोष इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन में आपका रहता है NaCl, KCl, KBr, CHCl और एक AgBr भी होता है, आप इसको भी लिख सकते हैं। अगर ये पांचों कोई ऑप्शन में रहता है तो आप तुरंत इस पर क्लिक कर देना क्योंकि शाटकी दोष इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो शाटकी दोष क्लियर हो गया। शाटकी दोष उन आयनिक पदार्थों में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, KBr, CHCl एंड AgBr आदि, ठीक है, क्लियर है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है क्रिस्टल के घनत्व को कम करने वाला बिंदु दोष कौन सा है? तो क्रिस्टल के घनत्व को कम करने वाला बिंदु दोष शाटकी दोष होता है, ठीक है। कौन सा दोष? शाटकी दोष, क्योंकि शाटकी दोष में क्रिस्टल से धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में अनुपस्थित हो जाते हैं, अंततः क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व को कम करने वाला बिंदु दोष शाटकी दोष होता है, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन आपका है किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघात वर्धनी और तन्य होते हैं, ठीक है, किस प्रकार के ठोस पूछ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा धात्विक ठोस, ठीक है, धात्विक ठोस, धात्विक ठोस विद्युत चालक आघात वर्धनी और तन्य तीनों होते हैं, क्लियर है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, देखो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हूं, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता है, ये आपको दो नंबर में पूछ सकता है, नहीं तो आपको एक नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो आशुद्ध या शुद्ध जल की आपको मोलरता निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है जल इसका फॉर्मूला जब लगाओगे कि मोलरता आपको निकालना है, तो जल का एक सेकंड, यहां से सबसे पहले जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो या कुछ तो पहले सॉल्यूशन लिख लो, फिर यहां पर लिखो जल का आपको क्या निकालना है, मोलरता, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जल का भार अपॉन जल का अणु भार, ठीक, और इसके अपॉन हो जाएगा जल का आयतन, और जल का आयतन किस में रहेगा, लीटर में, ठीक है, लीटर में, तो इसको लीटर में। अब इसको सब वैल्यू को आप वो कर लो, ठीक है। तो जल का भार आपको सबसे पहले निकालना है, तो जल का भार क्या हो जाएगा, जल का भार का फॉर्मूला क्या होता है, जल का भार इक्वल टू घनत्व, ये सब तो आप टेंथ में पढ़े हो, घनत्व इंटू आयतन, ठीक है, और ये किस में होगा, मिलीलीटर में, क्लियर है। तो वन इंटू आयतन 1000, क्योंकि लीटर मैंने आपको बताया तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है। अब आपको जल का अणु भार चाहिए, तो H2O का अणु भार, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 16, ठीक, ये हो जाएगा इसका 18, क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, जल की, शुद्ध जल की मोलरता, ठीक है। तो शुद्ध जल की मोलरता निकालोगे तो आपको वैल्यू से पुट करें, ठीक है, जल का भार 1000 अपॉन जल का अणु भार 18 और ये जल का आयतन लीटर 1, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका समथिंग आएगा 55.56 मोल लीटर। आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है, शुद्ध जल की अगर मोलरता पूछे तो 55.56 मोल पर लीटर अगर ऑप्शन में रहे तो आप सबसे पहले इसको टिक कर देना, नहीं तो अगर न्यूमेरिकल में आए तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर देना, क्लियर है। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? तो राउल्ट का नियम वाष्प दाब से संबंधित है, ठीक है, राउल्ट का नियम वाष्प दाब से, क्लियर है,
राहुल का नियम किससे संबंधित है? वास्प दाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब विलयन, जिनके ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है, क्योंकि पिछले वर्ष भी पूछा गया था और दो तीन वर्ष पूछा गया था। वेब विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं, तो इसे सम परासरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? सम परासरी विलयन। सम परासरी विलयन क्या होते हैं? जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं। क्लियर है? बात करते हैं सेवन क्वेश्चन है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव तीन चीज पर निर्भर करता है। पहला है धातु की प्रकृति पर, ठीक है, धातु की प्रकृति पर। दूसरा है विलयन के ताप पर, विलयन के ताप पर। और तीसरा है विलयन की मोलरता पर, ठीक है, मोलरता पर। तो अगर कोई पूछे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर और विलयन की मोलरता पर। क्लियर है? ये तीन, अगर ये अगर एक नंबर दो नंबर में पूछता है, मतलब इस तरीके डेफिनेशन लिखना है, तो ये तीन लिख दो कि अगर इसमें से MCQ पूछता है, इसमें तीनों में से कोई ऑप्शन रहता है तो आप एक ऑप्शन इस पर से टिक कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रबलतम अपचायक है, ठीक है, तो और चार ऑप्शन दिया है, ठीक है, प्रबलतम अपचायक पूछा है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब ऊपर से नीचे की ओर जाने वाले तत्वों पर की अपचायक क्षमता घटती है, ठीक है, ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो अपचायक क्षमता घटती है, तो मानक अपचयन विभव के मान बढ़ने लगते हैं, ठीक है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो आपका ये लिथियम है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो लिथियम का स्थान सबसे ऊपर आता है, क्लियर है, इसलिए जो इसका मानक अपचयन विभव है वो -3.04 वोल्ट होता है, और ये है इसका, क्लियर है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि जो ये लिथियम है यह प्रबलतम धातु अपचायक है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो बता रहा हूँ फिर से, देखो अच्छे से, प्रबलतम अपचायक है। इसमें पूछा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और CS, चार ऑप्शन इसमें दिया है, पूछा प्रबलतम अपचायक है। तो सबसे पहले समझो, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने वाले तत्वों की अपचायक क्षमता घटती जाती है, ठीक है, क्योंकि जब मानक अपचयन विभव के मान बढ़ने लगते हैं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ये लिथियम आपका है वह सबसे जो है सबसे ऊपर स्थान पर है, ठीक है, लिथियम सबसे ऊपर स्थान पर है, तो इसका जो मानक अपचयन विभव है वो -3.04 वोल्ट है। इससे यह ज्ञात होता है कि लिथियम का जो धातु प्रबलतम अपचायक है, लिथियम धातु प्रबलतम अपचायक है। क्लियर है? बात करते हैं नौवां क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। इसमें भी चार ऑप्शन दिया है, तो धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो CU, AG और जो PT है, ठीक है, की तुलना में एल्यूमिनियम का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव ये अधिक ऋणात्मक होता है। एल्युमिनियम का जो मानो इलेक्ट्रोड विभव होता है -1.66 वोल्ट, ठीक है, तो यह CU, AG और PT की अपेक्षा बहुत सरल से ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है, तो धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है एल्युमिनियम। क्लियर है इन चारों ऑप्शन में? बात करते हैं दसवां क्वेश्चन, H3PO4 के 1 मोल विलयन की नॉर्मलता है, आपको यहां पर क्या निकालनी है? इसकी नॉर्मलता निकालनी है। क्लियर है? तो H3PO4 या एक त्रिभाष्मिक अम्ल है, इसका मतलब इसकी जो क्षारकता है वह 3 है, ठीक है, इसकी क्षारकता है 3। अब ये क्षारकता मैंने क्यों आपको बताया? क्योंकि इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है H3PO4 के 1 मोल विलयन की नॉर्मलता, ठीक है, तो नॉर्मलता की फॉर्मूला क्या होती है? मोलरता इंटू क्षारकता, तो 1 मोल का निकालना है तो 1 × 3, ये 3 इसका नॉर्मलता, यहाँ पर 3rd ऑप्शन इसका हो जाए। क्लियर है? तो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।